सभी ने अपने जीवन में मेले का मजा एक न एक बार तो जरूर लिया होगा, लेकिन अगर आपने सोनपुर मेले का मजा नहीं लिया है तो अब आपके पास समय है कि आप बिना किसी बात की चिंता किए इस मेले का आनंद उठा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस मेले में ऐसा क्या खास है जिसे देखने पर मैं आपको इतना जोर दे रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि सोनपुर मेला करीब एक महीने तक बिहार के सारण जिले में लगता है और इस मेले की गिनती विश्व प्रसिद्ध मेलों में की जाती है। आप इस मेले की खासियत इस बात से समझ सकते हैं कि इस मेले से आप सुई से लेकर हाथी तक की खरीदारी कर सकते हैं। बता दें कि कोरोना की वजह से पिछले 3 साल से इस मेले को नहीं लगाया जा रहा था, लेकिन अब जब कोरोना का डर सभी के मन से निकल चुका है तो एक बार फिर से इस मेले की शुरुआत 6 नवंबर यानी कि सोमवार से की जा रही है। इस मेले की शुरुआत 6 नवंबर यानी कि रविवार से की जा रही है। जानकारी के लिए बता दें कि सोनपुर मेला की शुरुआत हर साल कार्तिक महीने से शुरू होती है जो कि एक महीने तक चलती है। इस मेले को हरिहर क्षेत्र मेला और छत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन समय में लगने वाले इस मेले में भले ही आज कई प्रकार के परिवर्तन कर दिए गए हो, लेकिन इसकी महत्ता आज भी लोगों के मन में ठीक उसी प्रकार बनी हुई है जैसे प्राचीन समय में लोगों के मन में हुआ करती थी। और यही कारण है कि हर साल इस मेले का मजा लेने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, जिनमें विदेशी पर्यटक भी बड़ी मात्रा में शामिल होते हैं। हालांकि अब इस मेले में कई जानवरों की खरीद बिक्री पर प्रशासन के द्वारा रोक लगा दी गई है, जिनमें हाथी चिड़िया जैसे जानवर शामिल हैं। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा यहां के थिएटर में भी लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। बताते चले कि लोगों की मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इस मेले से पशु की खरीदारी करना हमारे लिए काफी शुभ होता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसका हम कोई दावा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पूर्वज अपनी मान्यताओं के अनुसार नए नए बातों को हम सभी तक पहुंचाते रहते थे। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहे होंगे कि आखिर ऐसी क्या मान्यता है कि यहाँ पशुओं की खरीदारी को करना शुभ माना जाता है। तो हम आपको बता दें कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह स्थल गजेंद्र मोक्ष स्थल के रूप में भी चर्चित था। ऐसा कहा जाता है कि पुराने समय में भगवान के 2 भक्तों ने पृथ्वी पर जन्म लिया, जिनमें से एक हाथी था तो दूसरा मगरमच्छ। लेकिन एक बार जब कुन्हाड़ा घाट पर हाथी पानी पीने गया तो मगरमच्छ ने उसे अपने मुंह में मजबूती के साथ जकड़ लिया, जिसके बाद उन दोनों जानवरों में युद्ध की शुरुआत हो गई। यह युद्ध कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन अंत में जब हाथी थक गया तो उसने भगवान विष्णु को याद किया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने उस स्थान पर आकर अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करके उन दोनों के युद्ध को समाप्त कर दिया। यही कारण है कि तब से यहाँ पशु की खरीदारी को शुभ माना जाने लगा। वहीं अगर इस मेले के इतिहास पर नजर डालें तो आपको यह जानने को मिलेगा कि एक जमाना ऐसा था जब यहाँ जंगली हाथियों की खूब खरीद बिक्री होती थी। उस दौरान यहाँ कई राजा महाराजाओं और अंग्रेज हाथी घोड़े की खरीदारी करने बड़े ही शौक से आते थे। बता दें कि इन राजा महाराजाओं में मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, मुगल काल के अकबर और 1857 गदर के नायक वीर कुंवर सिंह भी शामिल थे। ये सभी यहाँ अक्सर हाथियों की खरीदारी करने आते थे। इसके साथ ही साल 1803 में यहाँ रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा एक अस्तबल का भी निर्माण करवाया गया था, लेकिन आज तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि इस मेले की शुरुआत कब से हुई, पर ऐसा कहा जाता है कि इसकी शुरुआत उत्तर वैदिक काल में हुई थी। सोनपुर के आम लोगों का कहना है कि पुराने समय में हिंदू के 2 संप्रदाय हुआ करते थे, जिनमें से एक शैव और दूसरे वैष्णव थे। इन दोनों के बीच हमेशा विवाद हुआ करता था और संघर्ष और तनाव की स्थिति बनी रहती थी। इसी विवाद को खत्म करने के लिए इस स्थल पर प्रबुद्ध जनों की कोशिशों से सम्मेलन की शुरुआत की गई थी ताकि दोनों संप्रदायों में समझौता कराया जा सके। बताते चले कि इस मेले में नौटंकी, नाच, लोक सांस्कृतिक से जुड़े कार्यक्रम, मैजिक शो और लाइव म्यूजिक इवेंट भी आयोजित किए जाते हैं, जिसे देखने के लिए आज भी वहां लोगों की काफी भीड़ देखने को मिलती है। इसके अलावा यहां हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी, पेंटिंग्स और पॉटरी जैसी चीजों का भी प्रदर्शन किया जाता है। इन सभी चीजों का प्रदर्शन दूसरे राज्य और देश के अलग अलग हिस्सों से लाए लोगों के द्वारा लगाया जाता है। ये सारी बातें जानकर अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि आखिर सोनपुर का यह मेला क्यों पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इस मेले की शुरुआत हुई। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।